से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि सोयाबीन 6400 का लेवल दिखाने के बाद अब 6200 पर ट्रेड करती नजर आ रही है NCDX पर। यहीं से बात करें अगर US सोयाबीन की, तो US सोयाबीन में भी देख रहे हैं कि आज गिरावट देखने को मिल रही है और इस समय US सोयाबीन 1365 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, $1,365 पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन में आज विदेशों के अंदर, विदेश के साथ साथ देश के घरेलू में भी गिरावट बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में अभी कुछ तेजी और बनती नजर आएगी या फिर इसी रेंज में रहेगी? देखिए सोयाबीन की लाल रेंज बाउंड ही है अखिलेश, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी की तरफ मार्केट नहीं है। अगर तेजी आती भी तो 6500 तक का तेजी का अनुमान है, 6500 और नीचे में 6000, फिलहाल यही रेंज है और इसी रेंज में घूमता हुआ मार्केट दिखाई देगा। 6300 के भी ऊपर इनफैक्ट हमने देखा 6400-6450 तक गया मार्केट, लेकिन वहां से वापसी की और फिर नीचे में 6200 के आसपास है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसी रेंज में बाजार घूमता हुआ दिखाई देगा, या से ना तो बहुत ज्यादा अभी तेजी बनती दिखाई दे रही है और ना ही बहुत ज्यादा मंदी। जी